हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रीम्स वर्ल्ड। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड टूरिज्म सर्विसेज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज हम आपको क्राउड इन बिहार संपर्क क्रांति के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली से दरभंगा तक जाती है और ट्रेन नंबर इज़ 12566। सो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है दरभंगा न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली टू दरभंगा के बीच ट्रैवल करती है, ठीक है। और इस ट्रेन में जो क्राउड्स होते हैं वो हम आपको एक चक्कर दिखाना चाहते हैं कि कितने क्राउड्स होते हैं इस ट्रेन में। कितने क्राउड्स हो रहे हैं ट्रेन में। और अभी ये ट्रेन यहाँ से खुल रही है न्यू दिल्ली से, आप यहाँ देखिए किस तरह से क्राउड हो रहा है और देख के पता चलेगा चल जाएगा आपको कि कितने क्राउड्स होते हैं इस ट्रेन में। और हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंडियन रेलवेज़ में जो यात्रियों को मीन्स ट्रैवलर्स को जो दिक्कतें हो रही हैं, असुविधाएं हो रही हैं, उससे जल्द से जल्द निजात मिले, मतलब इनको ये प्रॉब्लम्स ना हो। एक्चुअली गाइज, मेरी हिंदी बहुत वैसा है, सो अगर कोई भी वर्ड ऐसा हो जो ज़रा अजीब लगे आपको तो मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ आपसे, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आप देख लीजिए कि इस ट्रेन में जो है लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं। और ये ट्रेन जो है यहाँ से दिल्ली से 2:15 में खुली है, आप भीड़ देख रहे हैं। और इसका पहला स्टॉपेज जो है 410 किलोमीटर कवर करने के बाद कानपुर सेंट्रल पे है। अब 410 किलोमीटर जो बंदे इतने लटक के जाएंगे भीड़ भाड़ में, ये स्लीपर क्लास है देख लीजिए आप, ठीक है, S2, तो ये स्लीपर क्लास में अगर इतना भीड़ हो रहा है, और जनरल में आपने आगे देखा ही है, ठीक है। और पीछे आपको हम ये भी दिखाएंगे आगे चल के कि लोग जब जनरल में जगह नहीं मिला तो इसमें AC में भी घुस जाते हैं, तो एक तरह से मतलब सबके लिए ट्रबल है। जो लोग रिजर्वेशन कराते हैं वो भी सही से बैठ के ना जा पाएँ तो उनका रिजर्वेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये देखते हुए और लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए इस रूट्स में ट्रेन को इंक्रीज़ किया जाए। और जो है इंस्टेड जैसे कि स्टॉपेज बहुत बेहतरीन इनका दिया है, लॉन्ग स्टॉपेज है, बहुत कम समय में जो है ये ट्रेन न्यू दिल्ली से दरभंगा के बीच कवर करती है और बहुत ही अच्छा रूट है, सब कुछ बेस्ट है। पर एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो है इस रूट में ट्रेन थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि जो ट्रैवलर्स को दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कत ना हो। और अगले स्लाइड्स में हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग AC कोचेस में भी किस तरीके से जो है वो करके मतलब कितने कंजेस्टेड तरीके से ट्रैवल करते हैं। हम वैसे काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और अब उम्मीद करते हैं कि हम लेके आते रहेंगे। कुछ दिनों के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन था, सो बहुत मतलब नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर आज देखिए आप कि कितने भीड़ हो रहे हैं। और बहुत जल्द हम आपको दूसरे टॉपिक्स में भी वीडियो लेके आएंगे। ये देखिए दौड़ पे लोग कैसे लटक के और बैठ के जा रहे हैं। और इसका स्टॉपेज जैसे कि मैंने बताया 410 किलोमीटर, आप चेक भी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कानपुर सेंट्रल, सो यू विल नो ओनली। और मतलब इसमें ट्रैवल करना बहुत ही कंजेस्टेड है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार कि अगर आप लोग वो करते हैं मतलब ट्रैवल करते हैं तो कम से कम डोर पे ये सब में बैठ के या खड़े होकर ट्रैवल ना करें, इट्स वेरी रिस्की। और मैं अभी आपको अपना दूसरा स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आप देखिएगा कि क्या होता है, ठीक है सर। ये देखिए हम अपनी दूसरी स्लाइड दिखा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि लोग जो हैं किस तरीके से AC कोचेस में भी घुस रहे हैं जब जनरल में जगह नहीं मिली तो। सो ये देखिए जनरल में क्या हाल है। और गाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह सफ़र ना करें, क्योंकि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कुछ नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ नहीं जाएगा, जो भी नुकसान होगा आपका होगा। देखिए किस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके घर वाले जो है
बेकार में अफसोस करेंगे और फिर उन कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होगा। इसीलिए प्लीज़ अपने आप से प्यार करना सीखिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और इसी तरीके से और भी वीडियोस को, मतलब इस टाइप्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।